दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि जिन बागी विधायकों ने अपनी पार्टी और अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश की जनता इसका जवाब उन्हें अवश्य देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण के पीछे भाजपा का हाथ है, लेकिन भाजपा अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और जनता के साथ लिए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे किन लोगों ने क्या किया, आज उन लोगों को अपने लोगों के बीच क्यों नहीं जा पा रहे वो 6 लोग, आप सब समझते हैं कि जहाँ से वो चुनेंगे, जिन क्षेत्र के वो विधायक थे, क्या आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां जो अपने परिवार, अपने लोगों के बीच और मतदाताओं के बीच नहीं जा पा रहे। आज उनको 5 स्टार में पंचकूला में रहना पड़ रहा है, CRPF के घेरे में सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है, उसके बाद शिफ्ट हो रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, ऋषिकेश में जा रहे हैं। तो ये तो हम पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता पूछ रही है कि ये कारण क्यों हुए, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, किन लोगों की महत्वाकांक्षा थी या किन लोगों ने सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये बातें तो पब्लिक में आ चुकी है कि इन सब के पीछे भाजपा का काम है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना है कि जो कुछ हुआ है वो एक धोखा था कांग्रेस पार्टी के साथ, अपने मतदाताओं के साथ और मुख्यमंत्री साथ भी धोखा किया उन्होंने। जो लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से काम करवाते रहे, चाहे वो MLA जो हमारे निर्दलीय भी हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी इन 12 वर्षों में पहली बार एक ऐसी, आपको मैं बताता हूँ कि समान विकास वाली बात थी, चाहे लोग इंडिपेंडेंट चुन के आए थे, उनके इलाकों में भी दिल खोल के मुख्यमंत्री जी ने विकास किया, उनके काम किए। अगर आपके साथ शाम को डिनर में भी आपके साथ लोग बैठे हैं, सुबह नाश्ता भी आपके साथ कर रहे हैं और उसके बाद आपको धोखा देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे उनके बारे में क्या सोचेंगे आप? ये हिमाचल प्रदेश में ख़ास तौर पर ऐसा न हमारी संस्कृति है, ना ही ऐसा राजनीतिक कल्चर है और ना ही इतनी बड़ी भूख सत्ता की होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को कि आप सत्ता में थे, 5 साल सत्ता में रहने के बाद प्रदेश के लोगों ने, लोकतंत्र ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया और सम्मानपूर्वक आप विपक्ष में बैठें और उनके मैंडेट का सम्मान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।